ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल सातरा से गवर्नमेंट से अपील कर रही हूँ कि ये जो जीआरएस है इनकी डिमांडें पूरी की जाए, क्योंकि आज तीन चार दिन से ये लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इनकी जो जनरल डिमांड है वो पूरी की जाए, क्योंकि इनकी वजह से यहाँ पब्लिक सफर हो रही है। अगर ये लोग डिमांड नहीं लगाएंगे या ये लोग मेजर करके नहीं देंगे कि इन लोगों ने निर्गा में काम किया है या नहीं किया है, तो तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इनकी जो जनरल डिमांड है वो पूरी की जाए, ताकि इनको लोगों को इनका हक मिलना चाहिए। 15 साल से ये लोग अगर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, अगर इनको सिर्फ निर्गा स्कीम के लिए इन्वाइट किया गया, लेकिन ये सब स्कीमों में काम कर रहे हैं, यहाँ ग्राउंड लेवल से लेकर यहाँ ब्लॉक तक ये पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट से यही अपील की जाती है कि इनकी जनरल डिमांडें पूरी की जाए और इनका हक इनको दिया जाए। रूरल डेवलपमेंट में एमजी नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ है, उनका एक डेपुटेशन मुझसे मिला है। देखिए, अगर सच कहा जाए तो ये वही लोग हैं जो जब भी हम किसी भी डिपार्टमेंट में सर्वे करवाते हैं तो यही लोग करते हैं। कोविड-19 के चलते जितने भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स थे उनमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया। पेमेंट करने में इनका बहुत अहम रोल है, जियो टैगिंग करने में, और बड़ा हार्ड एरिया है हमारा, स्नो बोर्ड एरिया है, तो हर वक्त ये दस्तयाब होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बहुत साल इस डिपार्टमेंट में गुजारने के बाद इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। आज पिछले 2-4 दिन से ये लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं, जबकि गवर्नमेंट वादा बंद है कि हमें हर हफ्ते जो है वो टाइमली पेमेंट्स करनी है एमजी नरेगा की, लेकिन अगर हमारा स्टाफ पेंड ऑन स्ट्राइक पर बैठेगा तो ये पेमेंटें होना बड़ा मुश्किल है। तो मेरी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश है कि इन लोगों को कंसीडर किया जाए। इनकी जो जॉब पॉलिसी है, जैसा कि लास्ट रिसेंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की पुंछ में आउटरीच विज़िट हुई थी, उसमें उन्होंने मेरे एक सवाल के जवाब में अशोर किया था कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनकी एक कोई पॉलिसी फ्रेम की है, तो मैं चाहूँगा जल्द से जल्द वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए, ताकि इन बेचारों को भी, इनका बाल बच्चा जो है 2000-3000 पर जो लोग गुजारा कर रहे हैं, इनको भी अच्छा, इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, इनका भी फ्यूचर अच्छा हो सके। तो मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी गुजारिश है कि इन लोगों को कंसिडर किया जाए और इनको जल्द अज़ जल्द जो है परमानेंट किया जाए, ताकि ये भी आम लोगों की तरह बाकी तरक्की कर सकें और अपने बाल बच्चे का पेट